कौवे की चालाकी। एक जंगल में दो बड़े बड़े पेड़ पास पास थे। एक पेड़ पे कौवे घोंसला बना कर रहते हैं तो दूसरे पेड़ पर कबूतर रहते थे। पूरा दिन खाना ढूंढते हुए शिकार के लिए भागते थे। शाम ढलते ही अपने अपने स्थानों पर विश्रांत करते थे। कौवे के समूह में एक अति आलसी कौवा रहता था। वो उतना ही देर से उठता था। बाकी सारे खाने के लिए बाहर जाते हैं तो ये कहीं ना जाते हुए पेड़ पे ही आराम से रहता था। कुछ ही देर में वो सारे खाना लेकर खाते समय उनमें मिलकर छीन के खाता था। ऐसे उस दिन उनके लाई हुई खाने को समेट कर कौवे एक तरफ और कबूतर एक तरफ समूह में आकर खाते हैं। तो कौवे हर समय झगड़ते हुए अपने अपने बल से आहार लेते थे। कबूतर तो सब मिलजुल कर रहते थे, बिना किसी झंझट के एक समान बांट कर खाते थे। उन कबूतरों की एकता देख आलसी कौवे ने सोचा कि आहा, उन कबूतरों को तो देखो कितने अच्छे हैं और हमारे देखो कैसे हैं। छी, अगर जन्म लेना ही है तो शेर की तरह लेना चाहिए या फिर कबूतरों की तरह लेना चाहिए, बोलकर बहुत ही उदास हुआ। कुछ देर सोच में पड़ गया और चालाकी से एक चाल चली। कपड़ों को रंग डालने वाले के घर जाकर सफेद रंग में डूब के उठा। उसके बाद अपने आप को शीशे में देखकर उछलने लगा। देखने के लिए कितना सुंदर हूँ, कोई भी मुझे कबूतर ही सोचेगा और कबूतरों के साथ अच्छे से खा सकूंगा। उड़ते हुए जाकर कबूतरों के समूह में मिल गया। धीरे से अच्छे से खा रहा था। खाने के लिए झगड़ा कर रहे कौवे को देख नफरत करने लगा। ऐसे कुछ दिन बाद उस आलसी कौवा बिना कष्ट किए आराम से रहने लगा। एक दिन भूख से बहुत खा गया, गले में खाना अटकने से पानी के लिए रोक नहीं पाया और तुरंत क्याँ बोल के जोर से चिल्लाने लगा। इससे कौवे की पोल खुल गई और क्या, सारे कबूतर मिलके कौवे को चोट से मारते हुए भगा दिया। अरे बाबा, थोड़े भी रहम ना खाते हुए चोट से मार रहे हैं, अब फायदा नहीं, मैं मेरे रूप में बदलना ही ठीक है, बोल के सोचकर पानी में डूबा। मजा की था कि वो कड़ी रंग होने के कारण वो गया ही नहीं, बिना कुछ समझते हुए अकेला ही रह गया। अब देख देख के भूख ना सह पाते हुए आखिर में कौवे के खाना खाकर उनके समूह के पास चिल्लाते हुए आया। वो कोई अजनबी पक्षी है समझकर सारे कौवे एक होकर उसे भगा दिया। उस आलसी कौवे की चाल विफल होकर उसके लोग भी आने नहीं देने से आखिर में अकेला रह गया। इस कहानी की नीति है कि बाजू वालों के लिए भागने से अच्छा हमारे लोगों से खुश रहे।